नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेजोन के नाम पर 7,50,000 रुपए का लालच देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का प्रयास हुआ विफल। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से जागरूक रहने की अपील। नागपुर जिले में हुई तेज बेमौसम बारिश से बड़ी ठंड, बीमारियों का मौसम बनने से बड़ी चिंता, ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ फसलों को नुकसान। और नागपुर जिले में नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की रफ्तार नहीं हो रही है कम, मंगलवार को जिले में फिर मिले 800 कोरोना पॉजिटिव। और अब खबर विस्तार से। नामी कंपनी अमेजोन के नाम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का मामला नागपुर में सामने आया है, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता के जागरूक रहने से वे इस धोखाधड़ी से बच गए। लेकिन उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि यदि कोई भी इस तरह का लेटर या मैसेज आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दें। नागपुर के कामगार नगर निवासी शकील अहमद ने बताया कि उन्हें 8 जनवरी को कुरियर के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा एक लेटर प्राप्त हुआ। इस लेटर को उन्होंने खुद रिसीव किया। लेटर ओपन करने पर उसके अंदर से एक पत्र और एक कूपन निकला। कूपन पर विनर लिखा था, पत्र पर उनका नाम और पता लिखा था। पत्र अमेजोन कंपनी के नाम से प्रिंटेड था। पत्र में लिखा था, amazon.com कंपनी द्वारा 8वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर कई इलेक्ट्रॉनिक महंगे सामान तथा नगद राशि इनाम के रूप में आपको मिली है। जो कूपन दी गई है उसको स्क्रैच करें और कूपन में दर्शाई गई राशि और कोड को हमारे दिए गए हेल्प नंबर पर संपर्क करके बताएं। उन्होंने पत्र को पढ़ने के बाद कूपन को स्क्रैच किया तो उसमें 7,50,000 रुपए इनाम के तौर पर लिखे हुए थे और एक कोड दिया गया था। पत्र पर दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबर 9391289/6900815744 पर संपर्क किया तो उन्हें कोड नंबर पूछा गया। उन्होंने कोड बताया तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, आपने 7,50,000 रुपए का इनाम अमेजोन कंपनी द्वारा जीता है। तब मैंने कहा कि अब मुझे क्या करना है। उन्हें बोला गया कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजो, आपके अकाउंट में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की जाएंगी। उन्हें उन लोगों पर शक हुआ, परंतु बैंक डिटेल्स भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने तत्काल अपनी बैंक डिटेल्स व्हाट्सएप द्वारा भेज दी। कुछ ही समय बाद मुझे एक नॉर्मल मैसेज आया जो ADBT बैंक के नाम से था। मैसेज में लिखा था, आपके अकाउंट में 7,50,000 रुपए भेज दिए गए हैं, लेकिन किसी कारण ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपको 1% मतलब 7,500 रुपए सर्विस टैक्स पहले अदा करना होगा। इस पर उन्होंने कहा, 7,500 रुपए कैसे अदा करना है। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि गूगल पे या फोन पे पे राशि भेज दें। मैंने कहा, मैं गूगल नहीं चलाता हूँ। इसने मुझे खुद का SBI बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दी और कहा कि इस अकाउंट पे पैसे भेज दो। भेजा गया नॉर्मल मैसेज तो फेक था ही, लेकिन इस व्यक्ति ने एक और बड़ी गलती कर दी। गलती ये थी कि मैंने इनसे जिस नंबर से बात कर रहा था उसी नंबर पर इसने नॉर्मल फर्जी मैसेज भेज दिया। ऐसे में यह ऑनलाइन फ्रॉड उजागर हुआ। फ्रॉड कर रहे हैं, अमेजोन के नाम से कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि 2 दिन पहले 8 तारीख के दिन मुझे एक पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा एक पत्र मिला। उस पत्र को मैंने जब खोला तो उसमें अमेजोन का एक प्रिंटेड एक लेटर निकला और एक कूपन निकली। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि आपको जो कूपन है उसको स्क्रैच करें। मैंने उस कूपन को स्क्रैच किया तो उसमें 7,50,000 रुपये का इनाम मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 8वीं सालगिरह मनाई है अमेजोन के द्वारा, उसमें आपको ये प्राइज मिला हुआ है। और उस पत्र के अंदर 2 हेल्प नंबर दिया था, मोबाइल नंबर थे। तो जैसे मैंने ये खोला तो मुझे पुलिस की कुछ बातें याद आ गई। पिछले दिनों में पुलिस ने, नागपुर पुलिस ने इसके ऊपर में जन जागरूकता अभियान चलाया था और उसमें लोगों को समझाया था कि आपको कोई मोबाइल पे मैसेज आता है और बोला जाता है कि आपको लॉटरी लग गई है, कुछ पैसे भरना है GST के नाम पे। तो उनकी सारी बातें याद आने से मैं समझ गया कि ये फेक है। तो
सबसे पहले तो मैं इस नागपुर पुलिस को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस जालसाजी से मुझे होशियार किया था। नंबर टू, जब मैंने इस पत्र को खोला, जब इसके दिए हुए नंबर पे संपर्क किया और उनको बताया कि साहब आपके तरफ से एक लेटर मिला है, तो उन्होंने मेरा कोड पूछा, कोड नंबर दिया हुआ था और बोला कि साहब आपको एक मैसेज आएगा, ये 750,000 रुपये की राशि जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो आप बैंक अकाउंट हमको भेजो। मैंने इंक्वायरी के उद्देश्य से बैंक अकाउंट नंबर उनको व्हाट्सएप द्वारा भेजा, तो उसी 10 मिनट के बाद में मुझे एक बैंक से एक मैसेज आया, जो वो मैसेज भी उनका फर्जी था कि 750,000 रुपया क्रेडिट हो गया है, लेकिन किसी कारणवश एक पर्सन आपने उसका सर्विस टैक्स भरना है 7,500 रुपये, वो आपने भरा नहीं, तो आप ये भर दो, उसके बाद में ये राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो बहरहाल इंक्वायरी के उद्देश्य से जब मैंने उन पर संपर्क किया कि इस तरीके का मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि 7,500 रुपये आप गूगल से पे करो। मैंने बोला भाई गूगल नहीं चलाता हूँ, आप अकाउंट नंबर भेजो, उस अकाउंट में डालेंगे। उन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर दिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, उसमें डालने के लिए बोला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा फर्जी वाला है, मैंने तो उनके अकाउंट में कोई पैसा डाला नहीं है, ये पूरा फर्जी वाला है। और लोगों से मेरी अपील है कि ये इस तरीके के पत्र में वो अकेले को नहीं आए होंगे, काफ़ी लोगों को दिया होगा, अगर ऐसे पत्र आपको आते हैं तो आप बिल्कुल सावधानी बरते और सतर्क रहे, इनके अकाउंट में कोई पैसा ना डालें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, हमारी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और जागरूक रहें। इस प्रकार के मामलों में ऐसे लोगों को बैंक अकाउंट से रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर ना दे। यदि जिस नंबर से आप इनसे बात कर रहे हो वही नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर इनको ना भेजें, कोई दूसरा बैंक अकाउंट नंबर भेजें, केवल जांच पड़ताल के उद्देश्य से, वरना नज़रअंदाज करें और पुलिस को इस संबंध में जानकारी दें। ऐसी जानकारी साइबर क्राइम के सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ ने दी। नमस्कार, मैं सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ, साइबर पुलिस स्टेशन नागपुर येथे कार्यरत आहे। आम्ही दरवेळी लोकांमध्ये जाऊन जनजागृतीचे कार्यक्रम करतो आणि याचाच एक फायदा आम्हाला आज ऐकायला मिळालेला आहे। एक कामगार नगर इथे राहणारे इसम आहेत, त्यांनी आम्हाला फोन केलेला होता की आम्हाला एक पत्र आलेलं घरी आणि मोठ्या कंपनीच्या नावाने आलेलं आहे आणि तुम्हाला 7,500,000 रुपये बक्षीस लागलेलं आहे असं त्यावरती लिहिलेलं आहे। ह्या प्रकारचा मॅटर होता आणि त्यांनी सांगितलं की हा एक फ्रॉड आहे, हे मी समजलं आपल्या भाषण ऐकल्यामुळे वगैरे, आणि त्यांनी ती गोष्ट आम्हाला सांगितली। तर आम्हाला हे सांगायचं आहे की अशा प्रकारचे फ्रॉड होऊ शकतात आणि होत आहेत, की एखाद्या घरी एखादं पत्र येतं आणि त्या पत्रावर एखाद्या मोठ्या कंपनीचं नाव असतं, ती कंपनी आपल्याला कदाचित म्हणू शकते की आपण एखादी गाडी जिंकलेली आहे किंवा 1 किलो सोन्याची बार जिंकलेली आहे किंवा कोणती एखादी महागडी वस्तू जसं की लॅपटॉप आहे किंवा एखादा महागडा फोन आहे असा तुम्हाला जिंकलेला मॅसेज येऊ शकतो। हा मॅसेज ऑनलाईन येऊ शकतो किंवा ऑफलाईन आपल्याकडे एखादं पत्र येऊ शकतं आणि या पत्रामध्ये एक मोबाईल नंबर दिलेला असतो आणि तो मोबाईल नंबर जो आहे तो मोबाईल नंबर हा ज्यावेळी आपण डायल कराल त्यावेळी तिकडून मधुर सुरुवात होईल आणि सांगण्यात येईल की लवकरात लवकर तुम्हाला एक अमुक टॅक्स भरायचा आहे, कोणत्या तरी एका टॅक्सचं नाव सांगतील आणि तो किरकोळ असा वाटेल, 10 लाखाची बक्षीस आहे तर 10,000 रुपये टॅक्स भरायला सांगतील, 7 लाखाचे ते 7,000 भरायला सांगतील आणि परत हा भरल्याच्या नंतर सुद्धा आणि पुढच्या वेळेला परत टॅक्स भरायला सांगतील, अशा प्रकारचा हा खेळ होतो आणि अनेकदा टॅक्स भरून 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 जोपर्यंत याचे पैसे संपत नाही समोरच्याचे तोपर्यंत वेगळे वेगळे गोष्टी सांगून ते बक्षीस आता तुमच्या साठी निघालेलं आहे, ते तुमच्या बॉर्डरपर्यंत पोहोचलेलं आहे, बॉर्डरच्या पुढे येण्यासाठी आणखी टॅक्स द्यावा लागेल, हां तो तुमच्या अगदी शहरामध्ये पोहोचलेला आहे, मग तिथून सोडवण्यासाठी तुम्हाला एवढे एवढे पैसे द्यावे लागतील, अशा प्रकारच्या त्या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टीमध्ये ते अडकवतात आणि पैशाची लूट करतात। तर एक वेळा जर आपल्याला एखादा टॅक्स सांगितला जातो त्याच्यानंतर परत एखादा टॅक्स सांगायला जातो, त्याचवेळी माणसाने खरं तर सजग व्हायला पाहिजे, परंतु एखादी मोठी गोष्ट नजरेच्या समोर दिसली तर थोडं माणसाला भूल पडल्यासारखं होतं आणि त्यामध्ये ते अडकत जातात। मंगलवार को नागपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और दोपहर में शहर के साथ जिले में कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई।
शहर के वाड़ी इलाके में तो ओले भी गिरे। पहले ही सिर पर कोरोना महामारी का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में बेमौसम बारिश आना बीमारियों को न्योता देने से कम नहीं। इस अचानक आई बारिश से ठंड के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी बढ़ गई है। एक ओर पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी ओर मंगलवार को अचानक आई बारिश ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस बारिश ने बीमार करने वाला मौसम बना दिया है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही बारिश आने का पूर्वानुमान बताया था। मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे, वहीं सुबह भी हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन दोपहर 12 के बाद शहर में जोरदार बारिश हुई। चारों ओर काला अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की वजह से लोग भी बीच रास्ते पर रुककर सिर छिपाने जगह ढूंढने लगे तो कई सड़कों पर लबालब पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम भी हो गया, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। बल्कि इस अचानक आई जोरदार बारिश से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। हालांकि कुछ समय बाद बारिश रुक गई, लेकिन लोगों को बीमारी की सौगात दे गई। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई, साथ ही चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। वहीं वाड़ी परिसर में ओले भी गिरे। इस बारिश ने सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। वहीं इस संक्रमण काल में लोगों को अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता सताने लगी है। नागरिकों से VKB न्यूज़ की अपील है कि इस कोरोना काल में वे नियमों का पालन कर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बेवजह घर से ना निकले और स्वस्थ व सुरक्षित रहे। VKB न्यूज़ की खास रिपोर्ट। जिले में कोरोना के साथ ही ओमिक्रॉन के मरीज भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए जिला व स्थानीय प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं मंगलवार को नागपुर जिले में 799 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो इस लहर में एक मरीज की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से शहर भर में ऑन द स्पॉट RT-PCR जांच भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों का पालन न होना बताया जा रहा है। मंगलवार को 799 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें शहर के 662 और ग्रामीण के 96, बल्कि जिले के बाहर के 41 मरीज शामिल है, जबकि जिले में 4724 एक्टिव मरीज हैं। साथ ही मंगलवार को एक मरीज की मौत हो गई। यह कोरोना की तीसरी लहर में जिले में पहली मौत हुई है, इसलिए प्रशासन द्वारा सतर्क और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। मंगलवार को विदर्भ में कई जिलों में जोरदार बारिश ने दस्तक दी। वहीं भंडारा जिले में भी बारिश होने से फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, इसलिए किसानों ने नुकसानग्रस्त फसल का पंचनामा कर मदद करने की मांग सरकार से की है। भंडारा जिले में पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, जिस कारण भंडारा जिले के खमाटाकली परिसर के किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश की वजह से खेत में लगी मिर्ची, गेहूं, चना, बैंगन, टमाटर आदि फसल का बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है।
तेज बारिश से खेत में फसलों में पानी भर गया, जिस कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इस नुकसानग्रस्त फसल का सरकार ने पंचनामा कर मदद करने की मांग नुकसानग्रस्त किसानों ने की है। पहले से ही संकट की मार झेल रहे किसानों को फिर संकट ने घेर लिया है, वही कोरोना महामारी का भी प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में किसानों की चिंता 100 गुना बढ़ गई है। आणि कालच्या अवकाळी पावसामुळे आमची नुकसानग्रस्त झालेली आहे आमच्या मालाची। आता आमची मिरची, वांगे, टमाटर, गोबी, चना, गेहू आणि बरेचसे भाजीपाला वगैरे ते सर्व नष्ट झालेले आहेत आमच्या शेतामध्ये। हे बघा, आमचे शेत असे आहे, पाणी भरलेलं आहे, साचलेलं पाणी आहे कालपासून। आणि याचा आम्हाला काहीतरी सरकारकडून आम्हाला याचा लाभ मिळावा आणि याची तुम्ही दुर्दशा न करता याची चाचणी ताबडतोब करण्यात यावी। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने मुंबई के पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेगा प्लान बताया। शरद पवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सपा और एनसीपी का गठबंधन हुआ है और अब सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही चर्चा करने की बात कही। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर राज्य शामिल है। इस दौरान शरद पवार ने खुद उत्तर प्रदेश का दौरा करने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी में सपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इस संबंध में शरद पवार ने बताया कि एनसीपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। चुनाव की शुरुआत करने की आवश्यकता, इस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है और इसमें मुझे लेकर बाकी सब हम लोग शामिल होने वाले हैं। मैं देखता हूँ और कई साथियों से बात करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। आज मुझे खुशी है कि सिराज मेहंदी साहब जो वहाँ के विधान परिषद में 6 साल सदस्य थे, 30-40 साल से गांधी नेहरू की विचारधारा को लेकर काम करते थे, कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारी स्टेट लेवल से उन्होंने संभाली और उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना इनके लिए, कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना, साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का एक आवश्यकता है, ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाले जितने पार्टीज है उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने का उन्होंने तय किया, साथ साथ पिछले 40 से ज़्यादा साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए कई जिले में उनके साथी हैं, वो सब साथियों के साथ बातचीत करके ही वो यहाँ आए हैं और वापस जाने के बाद वहाँ उनके साथियों के साथ वो अनाउंसमेंट करेंगे और मैं भी एक दिन जाकर उनके साथ एक पब्लिक मीटिंग में उनके साथ हिस्सा लूँगा। मैं सिराज मेहंदी साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो कई साथियों से साथ हमने
बात की है। इससे मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है, कभी मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि 80% लोग हमारे पास है, खाली 20% लोग हमारे साथ नहीं है। ऐसा मैं जो मीनिंग समझता हूँ, अर्थ समझता हूँ, 20% लोग कौन हो सकते, जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो सभी का प्रतिनिधि हो सकता है। 20% छोड़कर बाकी सब लोग हमारे हैं, इस तरह का बयान देश के और राज्य के माइनॉरिटी को ठेस देने वाला बयान है, और इस तरह का सब बयान मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता। मगर इनकी विचारधारा ही ऐसी है, और इससे उन्होंने उनके मन में जो बात है वो बात अपने स्टेटमेंट के माध्यम से की। इससे एक बात छावनी सूची है कि देश में सिक्योर थिंकिंग मजबूत करना हो, एकता को ताकत देना हो, तो इस तरह की एक लिमिटेड आइडियोलॉजी का विचार इनके भलक इन सेक्शन के हितों की रक्षा की भूमिका मुझे लगता है कि देश के लिए समाज के लिए ठीक नहीं। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।